हेलो फ्रेंड्स, मैं सब शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बर्साइटिस के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बर्साइटिस के कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही कॉमन बर्साइटिस के नाम आपको बताएंगे और इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बर्साइटिस को समझें उससे पहले समझते हैं कि बर्सा क्या होता है। बर्सा बेसिकली फ्लूड फिल्ड पैड्स होते हैं जो कि आपको हमारे जॉइंट्स पर देखने को मिलते हैं, जो कि एक कुशन का काम करते हैं जॉइंट्स पर। बेसिकली बर्साइटिस में होता क्या है कि इन फ्लूड फिल्ड पैड्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बर्साइटिस। बर्साइटिस दो टाइप का होता है, एक होता है मैकेनिकल इरीटेटिव बर्साइटिस और एक होता है बैक्टीरियल बर्साइटिस। तो जो पहला होता है मैकेनिकल बर्साइटिस, ये होता है कि आपके जॉइंट्स पर मैकेनिकल इरिटेशन हो, यानी कि जैसे कुछ गाउटी डिपॉजिट्स की वजह से जो जॉइंट्स है वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा हो और उसकी वजह से जो बर्सा है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा हो और उसकी वजह से उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, जिसको हम बोलते हैं बर्साइटिस मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव बर्साइटिस। ये होता है आपके इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो बर्साइटिस हो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल बर्साइटिस। इसमें आपको पायोजेनिक और ट्यूबुलर बर्साइटिस आपको देखने को मिलता है, यानी कि पायोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से या ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से आपको जो बर्साइटिस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल बर्साइटिस। बेसिकली जो इन्फेक्टिव बर्साइटिस होता है वो बहुत ही रेयर होता है। जो मोस्ट कॉमन बर्साइटिस होते हैं वो आपके होते हैं मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से। जैसे मैं आपको कुछ कॉमन बर्साइटिस के नाम बताऊं, जिसमें पहला जो होता है प्री पटेलर बर्साइटिस, जिसको हम बोलते हैं हाउसमेट्स नी, इन्फ्रा पटेलर बर्साइटिस, जिसको हम बोलते हैं क्लर्गीमैन्स नी, फिर आता है आपका ओलिक्रेनन बर्साइटिस नी, फिर आता है अगर आपका मेल्युलस पे बर्साइटिस हो जिसको हम बोलते हैं टेलर्स एंकल, और अगर आपके ग्रेट टो पे अगर आपको बर्साइटिस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बनियन। दोस्तों, जो मैकेनिकल इरिटेटिव बर्साइटिस होते हैं वो जनरली एनाल्जेसिक्स की मदद से उसको ठीक किया जाता है। उनका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इनके ट्रीटमेंट के लिए आपको एनाल्जेसिक्स दिया जाता है और जो कॉजिंग फैक्टर है, जो इरिटेशन कॉज कर रहा है, उस फैक्टर को रिमूव किया जाता है। और जैसे कुछ केसेस के अंदर हाइड्रोकोर्टिसोन का इंजेक्शन भी दिया जाता है और रेयरली केसेस के अंदर बर्सा का एक्सीजन किया जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल बर्साइटिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पेशेंट को दी जाती है, साथ ही बैक्टीरियल बर्साइटिस के अंदर सर्जरी परफॉर्म करके उसका एक्सीजन किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से होता है बर्साइटिस, और बर्सा का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसी को हम बोलते हैं बर्साइटिस। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हो बर्साइटिस रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।